Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements in Periodicity and Properties. And today we will discuss question number 20. So here the question is, which of the following pairs of elements would have a more negative electron gain enthalpy? यहाँ पर आपको दो parts given है बेटा. First one is oxygen और fluorine and the second one is fluorine और chlorine. आपको बताना है इन pairs में से कौन सा element होगा जिसके लिए जो electron gain enthalpy है वो more negative होगी. More negative होने का मतलब क्या है बेटा? ज़्यादा energy release होगी electron को accept करने में. Clear? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन. अगर यहाँ पर ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है और इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर बनेगा एक आयन. आयन भी कौन सा? एनायन. तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा इस प्रोसेस में उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. राइट, उसको हम लिखते हैं ऐसे, डेल्टा एच ई जी. अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बेटा, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और एनर्जी रिलीज भी हो सकती है. ये डिपेंड करता है कि जो आपका प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक. ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. अब आते हैं क्वेश्चन पे. पूछा क्या है बेटा? फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है ऑक्सीजन और फ्लोरीन. आपको बताना है इन दोनों में से मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी. कैसे चेक करेंगे बेटा? ये है ऑक्सीजन एंड दिस इज फ्लोरीन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p4. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 9. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी बेटा? 1s2, 2s2, 2p5. अगर हम इन दोनों की ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा. एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा बेटा तो यहां पर बनेगा O माइनस. कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आउटर मोस्ट शेल वाली अगर लिखें तो ये हो जाएगी 2s2 2p5. एंड F माइनस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2s2 2p6. और जैसे ही ये हुआ 2s2 2p6, हमें पता है दिस इज द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कौन सी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा? बताओ, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन. ठीक है, अब क्योंकि जैसे ही F माइनस बना तो उसने अटेन कर लिया है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो यहां पर जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी. मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी. तो हम कह सकते हैं बेटा कि जो फ्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव होगी. ठीक है, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर हम कहेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव. क्लियर? ऐसे अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में क्या दिया है बेटा? आपको दिया है फ्लोरीन एंड क्लोरीन. क्या हम फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर कर पाएंगे? बिल्कुल. देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं बेटा, आउटर मोस्ट शेल वाली 2s2 2p5. एंड दूसरा क्या है आपके पास? क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17. आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा? 3s2 3p5. अब यहां पर अगर ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये बनेगा F माइनस. F माइनस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 2s2 2p6. एंड ये बनेगा Cl माइनस. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 3s2 3p6. ओके, देखो, दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में ही अटेन हुई है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दोनों खुश हैं, दोनों को स्टेबिलिटी मिल गई है. लेकिन अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे बेटा, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो जो आपके पास फ्लोरीन है और क्लोरीन है उसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है. अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? फ्लोरीन के ज्यादा होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो छोटा है. फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है तो उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा. लेकिन क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है बेटा, तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को और एड करवा रहे हैं सेकेंड शेल में, सेकेंड शेल छोटा है थर्ड शेल से, तो सेकेंड शेल में ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक आया है ये वहां पर क्रिएट करेगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. तो यहां पर हम इसको लिखेंगे, फ्लोरीन का क्या है बेटा? फ्लोरीन का है स्मॉल साइज. एंड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, या फिर हम कहेंगे ड्यू टू द कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 2p ऑर्बिटल में, दैट विल कॉज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. और अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहे हैं वहां पर, मतलब अच्छा तो उसको बिल्कुल नहीं लग रहा
है ना। और क्लोरीन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्लोरीन में जो एंटर हुआ है इलेक्ट्रॉन वो आया है 3p ऑर्बिटल में, तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, एंड जो एडेड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्यूपाई करेगा लार्जर रीजन ऑफ स्पेस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होंगे, दैट्स वाई क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव होगी। क्लियर? तो यहां पर इन दोनों में आंसर होगा Cl। ठीक है बेटा, क्या ये हमें समझ आया? तो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है, क्योंकि जितनी आसानी से क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को उतनी ही आसानी से फ्लोरीन नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड इंक्रीज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्लियर? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।